ऐसा सॉफ्ट और स्पंजी केक आपको चाहिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखा ना आपने कितना बढ़िया स्पंजी सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे फेंटा हुआ दही। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधा कप ही हम चीनी लेंगे और कप का चौथा हिस्सा लेंगे हम ऑयल। उसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारी चीनी दही ऑयल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसे साइड में रखेंगे। उसके बाद लेंगे हम एक और बाउल, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और उसमें एक कप भरकर डाल देंगे हम मैदा। उसके बाद डालेंगे हम चौथा हिस्सा मिल्क पाउडर का, चौथा हिस्सा ही हम सूजी लेंगे और आधा कप लेंगे हम कोकोनट पाउडर, एक चम्मच लेंगे हम बेकिंग पाउडर और चुटकी भर लेंगे हम मीठा सोडा। इसे अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें हवा सी भर जाए और जो भी गुठलियां हों इसके अंदर वो सारी निकल जाएं। छानना जरूरी है इसे, नहीं तो आपके बैटर में गुठलियां हो जाएंगी। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आधा कप हम दूध का लेंगे। दूध भी डाल सकते हैं आप, पानी भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। दूध को थोड़ा गुनगुन करके ही लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं लेना है फ्रिज से निकाल कर। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें वनीला एसेंस, आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं, मैंने वनीला एसेंस डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए बैटर इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला और गाढ़ा भी ठीक नहीं रहेगा। फिर हम लेंगे एक केक कंटेनर, उसे अच्छे से ऑयल कर लेंगे। ऑयल करने के बाद हम इसमें लगा देंगे बटर पेपर, साइज का कट कर लीजिए और उसके ऊपर भी ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा मिक्सचर अच्छे से। पहले इसे ट्रांसफ़र कर लेना है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी बबल हो, कुछ भी हो तो अच्छे से एक से ही हो जाए हमारा सारा मिक्सचर। इसे अच्छे से टैप कर लेना है। उसके बाद जो भी हमने कढ़ाई रखी थी 10 मिनट पहले प्री ओट होने के लिए, उसे निकालेंगे और उसके बीच में इसे ढक देंगे। ओवन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना ओवन से गैस चूल्हे पर ही बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में ओवन नहीं होता। तो ऐसे ही आप कढ़ाई को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिएगा लो गैस पर, फिर इसमें रख दीजिएगा। तो देखिए ये ऊपर फूल कर आ गया है, हम चाकू से देखेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से कच्चा है लेकिन फूल कर ऊपर बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो ही रखना है। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है, चाकू हमने इसमें लगा के देखा तो बिल्कुल भी कुछ भी चाकू के ऊपर चिपक नहीं रहा है। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसे ढक कर ही रख देना है। उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसे ठंडा होने देंगे और ऊपर से कपड़ा को ढकने के लिए ज़रूर ले लीजिएगा, कपड़े से ढक के रखिएगा नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएगा। फिर इसे टैप करेंगे उल्टा करके और इसे निकाल देंगे। बटर पेपर जो हमने लगाया था उसे भी हम निकाल देंगे, बहुत अच्छे से निकल जाता है और बहुत ही बढ़िया स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में कितना टेस्टी होगा, बहुत ही बढ़िया बना है और सॉफ्ट इतना है कि क्या बताऊँ आपको। फिर एक चाकू लेंगे और उसे इसे कट कर लेंगे। चाकू आपको दांत वाला ही लेना है, साफ लेंगे तो आप सही से नहीं कटेगा, दांत वाले से बहुत ही अच्छा कटता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पंजी है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट है, स्वाद तो आप पूछिए ही मत, बहुत ही लाजवाब है। आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने परिवार को बनाकर अपने घर में ही खिलाइएगा, बाजार से क्यों कोई चीज़ लेकर आनी जो हम घर में ही बना सकते हैं। तो आप इसी तरीके से बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे।